अंतरराज्य बैठक, संभागायुक्त बोले कानून व्यवस्था बनाने समन्वय से कार्य करें। एडीजीपी ने कहा कि सीमा से लगे 5 किलोमीटर क्षेत्र के हथियार जमा हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एमपी विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और सीमावर्ती क्षेत्रों से अपराधियों, हथियारों, नशीले पदार्थों के प्रवेश को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के लिए बैठक आयोजित की गई। अंतर राज्य बैठक की अध्यक्षता रीवा संभागायुक्त अनिल सुचारी ने की और कहा कि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाने के लिए संभाग के रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली के अधिकारी व सीमावर्ती राज्य के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी समन्वय से कार्य करें, संपर्क कर सूचनाओं का आदान प्रदान करें, अवैध गतिविधियों पर प्रभावी कार्यवाही करें। एमपी की सीमा से लगे यूपी क्षेत्र में 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित शराब दुकानों पर कड़ी निगरानी रखें। मतदान के 48 घंटे पहले सीमा बंद की जाएगी। इस अवधि में 5 किलोमीटर के दायरे की शराब की दुकानें भी बंद कराएं। संभागायुक्त ने कहा कि सभी जिलों में जांच नाके स्थापित कर दिए गए हैं। इनमें पुलिस, राजस्व, परिवहन और अन्य विभागों के अधिकारी तैनात हों। यूपी के भी कर्मचारी नाकों में तैनात हो जाएंगे तो जांच अधिक प्रभावी होगी। सतना के सीमावर्ती क्षेत्र चित्रकूट में दीपावली मेले में 10 से 15 लाख लोग आते हैं। कुछ दिन बाद 17 नवंबर को मतदान होगा। 48 घंटे पहले बाहर के सभी नागरिकों को जिले से बाहर करना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक परेशान ना करें। एडीजीपी केपी वेंकटेश्वर राव ने कहा कि जांच नाकों को प्रभावी बनाएं। जांच नाके में किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक परेशान ना करें। सीमावर्ती क्षेत्र में शराब की दुकानों और आदतन अपराधियों पर नजर रखें। गत चुनाव के समय जो व्यक्ति चुनाव संबंधी अपराधों में लिप्त रहे उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। पुलिस अधिकारी 5 साल से अधिक समय के फरार स्थायी वारंटियों एवं जिला बदर अपराधियों की सूची का आदान प्रदान करें। हमें सावधानी से कार्रवाई करनी होगी। डीआईजी मिथिलेश शुक्ला ने कहा कि चुनाव और त्योहार साथ साथ हैं, ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सावधानी से कार्रवाई करनी होगी। सीमा के दोनों ओर जब कार्रवाई होगी तो इन पर नियंत्रण रहेगा। हमारे क्षेत्र के किसी व्यक्ति के विरुद्ध यदि यूपी में अपराध दर्ज है तो उसे विधानसभा चुनाव होने तक पैरोल पर रिहा न करें। मैदानी अधिकारी संपर्क और बैठकें निरंतर करें। 55 मतदान केंद्र प्रयागराज सीमा से सटे। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने तैयारियों एवं सुरक्षा प्रबंधों की जानकारी दी। कहा कि 16 स्थानों पर अंतरराज्यीय नाके बने हैं। विधानसभा क्षेत्र सिरमौर, सेमरिया, त्योंथर और मऊगंज की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ी हुई हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्यवाही करके कानून व्यवस्था बना रहे हैं। प्रयागराज की सीमाओं से 55 मतदान केंद्र और मिर्जापुर जिले से 14 मतदान केंद्र जुड़े हुए हैं। अपराधियों, असामाजिक तत्वों, डीजल तथा पेट्रोल एवं शराब को अवैध रूप से जिले में प्रवेश से रोकने के लिए कठोर कार्यवाही की जाएगी। रीवा एसपी ने दी जांच नाकों के व्यवस्थाओं की जानकारी। रीवा एसपी विवेक सिंह ने चुनाव के लिए किए गए सुरक्षा प्रबंधों और जांच नाकों की व्यवस्थाओं की जानकारी दी। बैठक में कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव, कलेक्टर सतना अनुराग वर्मा, कलेक्टर मेहर रानी बाटर, एसपी सतना आशुतोष गुप्ता, पुलिस अधीक्षक सीधी रविंद्र वर्मा, पुलिस अधीक्षक मऊगंज वीरेंद्र जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिंगरौली शिव कुमार वर्मा और चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।